हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनपीएससी ज्ञान भंडार। सब्सक्राइब माय चैनल एनपीएससी ज्ञान भंडार एंड आल्सो टेप द बेल बटन फॉर अपडेट्स। माय सेल्फ निर्मल प्रजापति। ऑनलाइन क्लासेस बाय एनपीएससी ज्ञान भंडार। क्लास 5 to 10। सब्जेक्ट मैथ, साइंस एंड कंप्यूटर ऑफ एनी बोर्ड्स, ICSE, CBSE, जैक और एनी स्टेट बोर्ड ऑफ इंग्लिश मीडियम। क्लास 11th एंड 12th, सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथ एंड कंप्यूटर साइंस ऑफ एनी बोर्ड, ICSE, CBSE, जैक और एनी स्टेट बोर्ड ऑफ इंग्लिश मीडियम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9431703940। एंड नोट, पर्सनल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ऑल्सो गिवेन हियर दैट आर चार्जेबल। COVID-19, स्टेट होम, स्टडी एट होम। कंप्यूटर्स क्लासिफिकेशन, ओके, कंप्यूटर्स को कितने क्लास में बांटा गया, कितने कैटेगरीज में बांटा गया, उसको देखेंगे। कंप्यूटर्स कैन बी जनरली क्लासिफाइड बाय साइज एंड पावर एज फॉलोज थ्रू देयर इज कंसिडरेबली ओवरलैप। ओके, मतलब कंप्यूटर को साइज और पावर रेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया, जो कि ओवरलैप भी करता है। कोई कंप्यूटर इस कैटेगरी में भी आता है, उस कैटेगरी में भी आता है। ओके, तो पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर ए स्मॉल सिंगल यूजर कंप्यूटर बेस्ड ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर। इन एडिशन टू द माइक्रो प्रोसेसर, ए पर्सनल कंप्यूटर हैज ए कीबोर्ड फॉर एंटरिंग डेटा, ए मॉनिटर फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज डिवाइस फॉर ए सेविंग डेटा। पर्सनल कंप्यूटर, जिसको शॉर्ट में PC बोलते हैं, जो हम लोग घर में रखते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, एक सिंपली आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर, स्टोरेज डिवाइस होता है कोई एक, ओके, फिर CPU होता है, फिर इनपुट डिवाइस होता है, बस इतना ही होता है पर्सनल कंप्यूटर में। ओके, और वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन में कौन से कंप्यूटर आते हैं, ए पावरफुल सिंगल यूजर कंप्यूटर। सिंगल यूजर मतलब सिंगल यूजर, एक ही यूजर यूज कर सकता है उसको। ओके, ए वर्क स्टेशन इज लाइक पर्सनल कंप्यूटर बट इट हैज़ मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एंड हायर क्वालिटी मोनिटर। ये जो वर्क स्टेशन में एक पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर होता है बस, बाकी सारा चीज़ पर्सनल कंप्यूटर जैसा ही होता है, और इसमें हाई क्वालिटी मोनिटर होता है। ओके, नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या होते हैं, मिनी नाम से ही पता चल रहा है, छोटे होंगे ये। मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 10 to 100s ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। मिनी कंप्यूटर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर होगा जो कैपेबल होगा 10 से लेके 100 यूजर तक वो साइमल्टेनियसली उसको यूज कर सकता है। ओके, और मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम ए पावरफुल मल्टी यूजर कंप्यूटर। मल्टी यूजर मतलब एक साथ, मतलब एक से ज़्यादा यूजर उसको यूज कर सकता है। ओके, मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मेनी हंड्रेड्स ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। ओके, इसको हज़ार यूजर तक वो यूज कर सकता है उस कंप्यूटर को, मेन फ्रेम कंप्यूटर को, और ये मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर, एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये वेरी फास्ट सुपर कंप्यूटर होता है, जो सुपर कंप्यूटर तो बहुत फास्ट, एक सेकेंड में मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व लेता है, आउटपुट देता है, प्रोसेस करता है। मिलियंस इंस्ट्रक्शंस सपोज जैसे हम लोग इंटरनेट में, या फिर गूगल, सपोज एक गूगल का जो हेड ऑफिस या फिर हेड क्वार्टर होगा, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं। गूगल में लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो वो उसके पास चला जाता है, फिर वो उसको सर्व करता है, यहाँ तक कि एक सेकंड भी नहीं लगता है हमारे पास इंफॉर्मेशन आने में। तो ये सुपर कंप्यूटर के थ्रू होता है फास्ट। जैसे हम लोग ट्रेन बुकिंग करते हैं, तो लाखों लोग एक साथ ट्रेन बुकिंग कर रहे हैं, तो उनका भी प्रोसेस करना है, सबको टिकट देना है, यहाँ तक ये भी चेक करना है कि सीट है कि नहीं, वो सारा काम कौन करता है, सुपर कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट है लैपटॉप एंड स्मार्टफोन्स कंप्यूटर। ओके, लैपटॉप और स्मार्टफोन ये भी कंप्यूटर्स का ही टाइप है। ओके, लैपटॉप, चलिए लैपटॉप को देखते हैं क्या होता है। लैपटॉप, लैपटॉप इज ए बैटरी और AC पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर दैट कैन बी ईजीली कैरीड एंड यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ लोकेशन। मेनी लैपटॉप्स आर डिजाइन टू हैव ऑल ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, व्हिच मीन्स दे कैन जनरली रन द सेम सॉफ्टवेयर एंड ओपन द सेम टाइप्स ऑफ फाइल। हाउएवर सम लैपटॉप्स हैज ए नोटबुक
sacrifice and sacrifice some functionality in order to be even more portable. लैपटॉप क्या होता है? पोर्टेबल होता है. इसमें जैसे एसी या बैटरी रहता है इसमें, या फिर लाइन से भी चलता है, ये एसी से चलता है. ओके, तो ये इजीली कैरी होता है कहीं भी हम लोग ले जाके. सेम पर्सनल कंप्यूटर को तो एक जगह रखना पड़ता है, उसमें पावर सप्लाई देना पड़ता है एक टेबल में, लेकिन लैपटॉप को हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं. जैसे कंप्यूटर काम करता है उसी तरह ये भी काम करता है लैपटॉप. सेम फाइल ओपन होगा, सेम एवरीथिंग सेम. सभी लैपटॉप में नहीं होता है, लेकिन कुछ लैपटॉप में कुछ चीज़ कम किया हो रहता है, सेक्रीफाई किया हो रहता है जो पहले के ज़माने में आते थे, लेकिन आजकल सारे लैपटॉप डेस्कटॉप से भी आगे हो चुके हैं. ओके, नेक्स्ट है नोटबुक. ए नोटबुक इज ए टाइप ऑफ लैपटॉप दैट इज डिजाइन टू बी इवन मोर पोर्टेबल. नोटबुक आर ऑफन चीपर देन लैपटॉप और डेस्कटॉप. नोटबुक भी एक टाइप लैपटॉप का ही टाइप है जो डिज़ाइन किया हुआ है किस पे, ये ज़्यादा पोर्टेबल है, ज़्यादा छोटा है, और इसमें क्या ये थोड़ा सस्ता है, लैपटॉप से सस्ता है नोटबुक. ओके, दे आर जनरली लेस पावरफुल देन अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. ये थोड़ा कम पावरफुल है दूसरे कंप्यूटर के कंपैरिजन में. ओके, फिर बट दे प्रोवाइड्स एनफ पावर फॉर ईमेल एंड इंटरनेट एक्सेस. लेकिन ये नोटबुक जो है ज़्यादा पावर देते हैं ईमेल और इंटरनेट यूज करने में. विच इज वेयर द नेम नोटबुक कम्स फ्रॉम. ओके, नेटबुक कम्स फ्रॉम. ओके, जिसके लिए ये नेटबुक से ही नोटबुक बना है इसका नाम. ओके, नेक्स्ट है मोबाइल डिवाइस. मोबाइल डिवाइस इज बेसिकली एनी हैंड हेल्ड कंप्यूटर. मोबाइल डिवाइस हैंड हेल्ड मतलब हाथ में रख के इसको यूज करते हैं. जैसे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये भी एक कंप्यूटर ही है, लेकिन हैंड हेल्ड डिवाइस ये कंप्यूटर. ओके, इसमें भी सारे चीज़ें, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, एवरीथिंग है. जैसे ये स्क्रीन इसमें टच भी है. स्क्रीन टच जो इनपुट डिवाइस है, स्क्रीन है जो डिस्प्ले यानी आउटपुट डिवाइस है, इसमें मेमोरी है जो स्टोरेज डिवाइस है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर है, सारा चीज़ें इसमें भी. तो ये भी एक कंप्यूटर ही है. इट इज़ डिजाइन टू बी एक्सट्रीमली पोर्टेबल, ऑफन फिटिंग इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड योर पॉकेट. सम मोबाइल डिवाइसेज आर मोर पावरफुल एंड दे अलो यू टू डू मैनी ऑफ चलिए आगे देखते हैं. और कंप्यूटर जो मोबाइल फ़ोन जो है वो क्या बहुत सारा काम हाथ से ही कर देता है, और ये हाथ में रख सकते हैं हम इसको. ओके, दे अलो डू यू टू मैनी थिंग्स द सेम थिंग्स यू कैन डू विथ द डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर. दिस इंक्लूड्स टैबलेट कंप्यूटर, ई रीडर एंड स्मार्टफोन्स. ओके, जो काम हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप में करते हैं वो काम मोबाइल फ़ोन में भी करते हैं. ओके, और इसका एग्जांपल्स है टैबलेट भी एक हैंडहेल्ड डिवाइस है, हाथ में रख के यूज करते हैं. ई रीडर्स, जिसे ई रीडर्स हो गया, फिर स्मार्टफोन्स हो गया. नेक्स्ट है टैबलेट कंप्यूटर. लाइक लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर आज डिजाइन टू बी पोर्टेबल, हाउएवर दे प्रोवाइड ए वेरी डिफरेंट कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस. The most obvious difference is that tablet computers do not have keyboard or touchpad. Instead, the entire screen is touch sensitive, allowing you to type on a virtual keyboard and use your finger as mouse pointer. Tablets computers are mostly designed to consuming media. They are optimized for tasks like web browsing, watching videos, re-reading books, reading e-books and playing games. For many people, a regular computer like desktop or laptop is still needed in order to use some programs. However, the convenience of tablet computer means that इट इज़ आइडियल एज सेकेंड कंप्यूटर. ओके, ये टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है, ये भी पोर्टेबल ही होता है, लेकिन ये सिर्फ दे प्रोवाइड द वेरी डिफरेंट कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस. ये कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस बहुत फास्ट प्रोवाइड करता है. द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस इज दैट, इसमें क्या होता है, टैबलेट कंप्यूटर में कीबोर्ड्स नहीं होता और टचपैड भी नहीं होता है.
इन सारे स्क्रीन टच सेंसिटिव होता है। ओके, इसमें जो टैबलेट का जो स्क्रीन ही होता है वो सेंसिटिव होता है, उसी में हम लोग क्या करते हैं वर्चुअल कीबोर्ड यूज करके फिंगर को माउस को माउस पॉइंटर यूज करके या वर्चुअल कीबोर्ड यूज करके उसमें इनपुट देते हैं। टैबलेट्स कंप्यूटर मोस्टली डिजाइन टैबलेट्स कंप्यूटर जो डिज़ाइन किया जाता है वो वेब ब्राउजिंग के लिए, मूवी देखने के लिए या फिर ई बुक रीड करने के लिए, फिर गेम खेलने के लिए। ओके, इसके लिए डिज़ाइन किया हुआ रहता है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए कंप्यूटर लैपटॉप की तरह ही होता है और ये एक आइडियल सेकंड कंप्यूटर की तरह होता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन। ए स्मार्टफोन इज द पावरफुल मोबाइल फोन दैट इज डिजाइन टू रन ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन एडिशन टू फोन सर्विस। दे आर बेसिकली स्मॉल टैबलेट कंप्यूटर्स एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग, वाचिंग वीडियोज, रीडिंग ई बुक, प्लेइंग गेम्स मोर। स्मार्टफोन भी एक्चुअल क्या होता है, पावरफुल मोबाइल फोन ही होता है, लेकिन ये डिजाइन किया हुआ रहता है कुछ मतलब वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन को रन करने के लिए, जैसे वेब ब्राउजर वेब ब्राउजिंग के लिए, मूवी देखने वीडियोज वाचिंग करने के लिए, फिर बुक रीडिंग करने के लिए एट्सेट्रा। नेक्स्ट है कुछ डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ओके, आखिर डेटा डेटा किसको बोलते हैं। ओके, फैक्ट्स एंड फिगर विच रिले समथिंग स्पेसिफिक बट विच आर नॉट ऑर्गेनाइज इन एनी वे विच आर प्रोवाइड फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डलेस पैटर्न कॉन्टेक्स्ट एट्सेट्रा। सो डेटा मीन्स अनस्ट्रक्चर्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैव एटलीस्ट इम्पैक्ट ऑन द टिपिकल मैनेजर। डेटा मतलब कोई भी फैक्ट्स, कुछ भी इंडिविजुअल कुछ भी टाइप कर दिए जिसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, कंप्यूटर में दे जा रहे हैं तो वो डेटा हो गया। ओके, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहे, नंबर रहे, न्यूमेरिक रहे, ओके, अल्फ़ाबेट्स रहे, करेक्टर्स रहे, वीडियोज रहे, साउंड रहे, कैमरा का कोई फोटोज रहे, ओके, तो ये सब सारे डेटा हो गए। इंफॉर्मेशन, फॉर द डेटा बिकम इंफॉर्मेशन, मतलब डेटा जो होता है वो इंफॉर्मेशन जब बन जाता है तो वो इंफॉर्मेशन मतलब मीनिंगफुल कुछ उसका मतलब होता है। ओके, इट मस्ट कॉन्टेक्स्टलाइज्ड, कैटेगराइज्ड, कैलकुलेटेड एंड कंडेंस्ड। इंफॉर्मेशन दस पेंट्स ए बिगर पिक्चर, इट इज़ डेटा विथ रिलेवेंस एंड पर्पसेस, इट मे कॉन्वे द ट्रेंड इन एनवायरमेंट एंड परहैप्स इंडिकेट्स अ पैटर्न ऑफ सेल फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एसेंशियली इंफॉर्मेशन इज फाउंड इन एंसर टू क्वेश्चन दैट बिगिन विथ सच वर्ड हु व्हाट वेयर व्हेन हाउ मेनी। इंफॉर्मेशन क्या होता है, कोई भी कौन में मीनिंगफुल डेटा, सपोज हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर भी मिल रहा है, हाउ व्हेन व्हाट सबका आंसर मिल रहा है, तो वो एक इंफॉर्मेशन हो गया। वो कभी कभी इंफॉर्मेशन सेलिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है नॉलेज। ओके, नॉलेज इज क्लोजली लिंक टू डूइंग एंड इम्प्लाइज नो हाउ एंड अंडरस्टैंडिंग। द नॉलेज प्रोसेस बाय इच इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड इनकम्पेसिस द नॉर्म्स बाय विच ही इवेल्युएट्स न्यू इनपुट्स फ्रॉम हिज सराउंडिंग। नॉलेज क्या, नॉलेज लिंक है किससे, क्या कर रहे हैं उसका, कैसे हो रहा है, कैसे उसको समझ रहे हैं, कैसे हो रहा है अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो नॉलेज नॉलेज किसको बोलेंगे, इच इंडिविजुअल मतलब हर एक अलग काम जो और एक्सपीरियंस जिससे कुछ अलग सीखने को मिले उसको बोलेंगे नॉलेज। ओके, अपने आसपास से। नेक्स्ट चल देख, द कंटेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। फर्स्ट डेटा, डेटा मतलब सिंबल। ओके, मतलब क्या क्या कंटेंट है जो ह्यूमन माइंड में सेट किया जा सकता है। ओके, डेटा मतलब सिंबल्स, डेटा मतलब सिंबल्स सेट करके रखिए। ओके, इंफॉर्मेशन डेटा दैट आर प्रोसेस्ड टू बी यूजफुल प्रोवाइड आंसर हु व्हाट वेयर एंड हाउ व्हेन क्वेश्चन। ओके, इंफॉर्मेशन उसको बोलेंगे जिसका कुछ मीनिंगफुल कुछ मीनिंग हो उसका। ओके, यूजफुल हो और प्रोवाइड आंसर प्रोवाइड करे हु व्हाट वेयर व्हेन का। ओके, नॉलेज एप्लीकेशन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आंसर हाउ क्वेश्चन। हाउ का मतलब, हाउ का अगर आंसर मिल गया तो समझ जाओ वो नॉलेज है। ओके, विजडम इवेल्युएटेड अंडरस्टैंडिंग। ओके, विजडम मतलब कुछ नया चीज़ करना। ओके, उसको विजडम बोलेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसिंग डेटा प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस नॉलेज एंड सो ऑन। हम लोग
कुछ भी प्रोसेसिंग डेटा को समझेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना, उसको प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना, नॉलेज उस तरह से. ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. ओके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कंप्यूटर का, क्या क्या खास बात होगा कंप्यूटर का, कंप्यूटर हम लोग लेंगे तो क्या चीज़ देखेंगे. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है कंप्यूटर लेने से पहले, तो देखिए चलिए देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंप्यूटर का. स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेबिलिटी, वर्सैटिलिटी आर सम ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ दिज कैरेक्टरिस्टिक्स आर. देखिए फर्स्ट देखेंगे स्पीड, हमेशा कंप्यूटर का स्पीड ही देखा जाता है. स्पीड अगर रहेगा तो आप एक साथ हजारों काम कर सकते हैं. ओके, द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा फास्ट, वेरी फास्ट, एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. सम कैलकुलेशन दैट वुड हैव बीन टेकन आवर और डे कंप्लीट डे टू कंप्लीट अदरवाइज कैन बी कंप्लीट इन फ्यू सेकेंड यूजिंग द कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन एंड जनरेशन ऑफ सैलरी स्लिप ऑफ थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. वेदर फोरकास्टिंग दैट रिक्वायर्स एनालिसिस ऑफ ए लार्ज कंप्यूटर ऑफ डेटा रिलेटेड टू टेम्परेचर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ वेरियस प्लेस एट्सेट्रा. स्पीड, कंप्यूटर अगर स्पीड रहेगा तो क्या होगा, वो एक साथ मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एक सेकेंड में प्रोसेस करेगा. ओके, जिससे क्या, जो काम एक दिन में या फिर एक घंटे में या फिर महीनों भर लग सकता था, उस काम को कंप्यूटर अगर फास्ट होगा तो वो एक सेकेंड में, एक मिनट में कर देगा. ओके, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय का सैलरी निकालना है स्लिप. ओके, तो वो क्या करेगा, लाखों का हजारों का सैलरी स्लिप एक साथ निकाल देता है कंप्यूटर. तो उसमें टाइम बचत हो गया, टाइम सेविंग हो गया. तो ये कंप्यूटर का स्पीड पे डिपेंड करेगा. एक्यूरेसी, कंप्यूटर प्रोवाइड्स ए हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. फॉर एग्जांपल द काउंटर, द कंप्यूटर कैन एक्यूरेटली गिव द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ एनी टू नंबर अप टू 10 डेसिमल प्लेस. मतलब कंप्यूटर अगर एक्यूरेसी रहेगा तो क्या होगा, वो अप टू 10 डेसिमल प्लेस तक वो कोई नंबर को डिवाइड कर सकता है जो कि एक्यूरेट होगा. ओके, एक्यूरेसी मतलब क्या, एक्यूरेट. हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या, लार्ज नंबर तक नहीं जाते हैं. ओके, नेक्स्ट डिलीजेंसी, व्हेन यूज्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड. इट कैन परफॉर्म लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी फॉर द स्टार्ट टिल द एंड. ओके, मतलब कंप्यूटर में अगर डिलीजेंसी रहेगा तो क्या होगा, थकावट नहीं होगा. मतलब जैसे कोई भी आदमी अगर लगातार काम करते रहेगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग में वो काम फास्ट करेगा लेकिन एंड में धीरे धीरे वो स्लो करते जाएगा. लेकिन कंप्यूटर स्टार्टिंग में भी वही काम करेगा वही स्पीड से और एंड में भी वही स्पीड से, तो बोलेंगे कंप्यूटर डिलीजेंसी है. ओके, नेक्स्ट स्टोरेज कैपेबिलिटी. लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर एंड ऑल्सो रिट्राइव्ड वेन एवर रिक्वायर्ड. ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड टेम्पररली इन द प्राइमरी मेमोरी. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक फ्लॉपी डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क आर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली. स्टोरेज कैपेबिलिटी मतलब कंप्यूटर में अगर स्टोरेज कैपेबिलिटी रहेगा तो क्या होगा, डेटा स्टोर रहेगा, इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगा कंप्यूटर में और हमेशा जब हम लोग चाहेंगे तब उसको निकाल सकते हैं, उस डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं. और लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा टेम्प्रोरी मेमोरी में प्राइमरी में स्टोर रहेगा लेकिन सेकेंडरी में लाइक फ्लॉपी डिस्क में हम लोग उसको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी. ओके, वर्सेटिलिटी मतलब कंप्यूटर इज वर्सेटाइल इन नेचर. इट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क विद इन सेम इज एट वंस मोमेंट. यू कैन यूज द कंप्यूटर टू प्रिपेयर ए लेटर डॉक्यूमेंट इन द नेक्स्ट मोमेंट. यू मे प्ले म्यूजिक और प्रिंट डॉक्यूमेंट. कंप्यूटर हैव सेवरल लिमिटेशन टू. कंप्यूटर कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट हैज बीन प्रोग्राम टू डू. ओके, वर्सेटिलिटी मतलब क्या, कंप्यूटर एक साथ बहुत सारा काम करता है उसको बोलेंगे वर्सेटाइल. ओके, जैसे सपोज हम लोग कभी कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे तो उस बीच में म्यूजिक सुन लेते हैं, उस बीच में मूवी देख लेते हैं, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं. तो ये वर्सेटाइल होता है, कंप्यूटर वर्सेटाइल होता है इन नेचर में. ओके, ये एक साथ बहुत सारा काम इसमें किया जा सकता है तो उसको वर्सेटाइल बोलेंगे. लेकिन कंप्यूटर में जिस तरह से प्रोग्रामिंग रहेगा, जिस तरह से
कोड रहेंगे उसी तरह से वो काम करेगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर। इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस एज स्पेसिफाइड बाय द यूजर एंड डज नॉट टेक्स इट ऑन डिसीजन। कंप्यूटर जो होता है ना कुछ भी काम अपने से नहीं करता है, उसके लिए यूजर उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, कुछ वर्क देता है तभी वो करता है। और कंप्यूटर कुछ भी चीज़ अपने से नहीं सोचता है, कंप्यूटर सोच समझ के काम नहीं करता, उसको जैसे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है उसी तरह से वो वर्क करेगा। ओके नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरसेस। ओके वायरसेस, वायरस क्या होता है? ए वायरसेस इज द स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट पिगीबैक्स ऑन रियल प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल ए वायरस माइट अटैच इट्सेल्फ टू ए प्रोग्राम सच एज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इच टाइम द स्प्रेडशीट प्रोग्राम रन्स द वायरस रन टू एंड इट हैज द चांस टू रिप्रोड्यूस बाय अटैचिंग द अदर प्रोग्राम्स और ब्रेक हॉविक। ओके मतलब वायरस क्या होता है? एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या या तो जो पीगा दैट पिगबैक ऑन रियल प्रोग्राम, जो रियल प्रोग्राम के पीछे रहता है या फिर उसके साथ अटैच रहता है। ओके फॉर एग्जांपल वायरस जो होता है या तो अटैच या खुद से ये अटैच हो सकता है किसी स्प्रेडशीट प्रोग्राम से। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्प्रेडशीट में हम लोग वर्क कर रहे हैं तो वो उसमें वायरस भी रन करता है। ओके और जब ये इसका और ये इसका मैक्सिमम चांस रहता है कि ये खुद से कुछ रिप्रोड्यूस कर दे और उसको डैमेज करे। ओके स्प्रेडशीट को, जिससे वो कंप्यूटर स्लो हो जाए। ओके स्लो हो जाता है। ओके नेक्स्ट है ईमेल वायरसेस। ईमेल वायरसेस ट्रेवल्स एंड अटैचमेंट टू ईमेल मैसेज एंड यूजुअली रिप्लिकेट इट्सेल्फ बाय ऑटोमेटिकली मेलिंग इट्सेल्फ टू डजन ऑफ पीपल इन विक्टिम्स ईमेल एड्रेस बुक। सम ईमेल्स वायरसेस डू नॉट इवन रिक्वायर डबल क्लिक बाय लॉन्च व्हेन यू व्यू द इंफेक्टेड मैसेज इन द प्रीव्यू पेन ऑफ योर ईमेल सॉफ्टवेयर। सोर्स जॉनसन। ओके ये जॉनसन नाम का आदमी से मिला हुआ है ये वायरस का डेफिनेशन, ईमेल वायरस का। ईमेल वायरस जो होता है ये क्या होता है? ईमेल में अटैचमेंट करके भेजा जाता है। जब भी आप ईमेल ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में रन करेगा और कभी कभी इसके कोडिंग जिस तरह से रहेगा उस तरह से वर्क करेगा। कभी कभी आप बिना सेंड किए ही आपका ईमेल किसी दूसरे के वहाँ चला जाएगा। ओके तो ये जो विक्टिम ईमेल एड्रेस जो होगा ना वो उसके बुक में दर्जन ऑफ पीपल मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को वो मैसेज चला जाएगा विक्टिम मैसेज विक्टिम ईमेल एड्रेस से जिसको वो वायरस डैमेज किया है। ओके जिसको वायरस अटैक किया। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्सेस। ए ट्रोजन हॉर्सेस ये सिंपली कंप्यूटर प्रोग्राम द प्रोग्राम क्लेम्स टू डू वन थिंग्स इफ इट मे क्लेम टू बी गेम बट इंस्टेड डज डैमेज व्हेन यू रन इट। इट मे इरेज योर हार्ड डिस्क। ट्रोजन हॉर्सेस हैव नो वे टू रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली। ट्रोजन हॉर्सेस क्या होता है? ये सिंपली कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है और इसका क्लियर क्या होता है? ये द प्रोग्राम्स क्लेम टू डू वन थिंग, ये एक साथ एक चीज कर सकता है क्या कि ये गेम में जा सकता है, गेम के साथ ये क्लेम हो सकता है। ओके और ये जब आप गेम प्ले कर रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली रन करेगा और आपके हार्ड डिस्क को भी इरेज कर सकता है या फिर आपके डेटा को वो कॉपी कर सकता है। ओके नेक्स्ट है वॉर्म्स। वॉर्म्स क्या होता है? ए वॉर्म्स इज स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट यूजेज कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्ड्स टू रिप्लिकेट इट्सेल्फ। ए कॉपी ऑफ वॉर्म्स स्कैन द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क फॉर another machine that has a specific security hole. It copies itself to new machine using a security hole and the start replicating from there as well. Worms मतलब क्या? Worms क्या? अर्थ worms. Worms क्या करता है? रेंगता है और कहीं भी hole मिलता है तो क्या घुस जाता है। It's same. ये worms भी क्या होते हैं? Software ही होते हैं जो क्या करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में घूमते रहते हैं। कभी भी किसी का भी सिक्योरिटी उसको ओपन मिला या होल मिला तो क्या करेगा? उसमें घुस जाएगा और उसके नेटवर्क को स्कैन करके उसको रिप्लिकेट करेगा अपने आप को, मतलब अपने आप को फैलाएगा वहाँ, एक से दो, दो से चार करेगा और वो डेटा को या फिर कॉपी करेगा और
सेंड करेगा, इरेज करेगा या फिर रिप्लिकेट करेगा एज वेल एज ओके, और आपके डेटा को चोरी कर सकता है वो वर्म्स। ओके नेक्स्ट, व्हाट आर टिप्स टू अवॉइड वायरसेस एंड लिसन देयर इम्पैक्ट, मतलब क्या क्या टिप्स है कि वायरस से हम लोग बचे ओके और उससे दूर रहें। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फ्रॉम रिप्यूटेबल वेंडर, अपडेट्स इट एज यूज रेगुलरली, मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपलोड करना चाहिए और इसको रेगुलर अपडेट करना चाहिए, अप टू डेट करते रहना चाहिए ओके। नेक्स्ट है, इन एडिशन टू स्कैनिंग फॉर वायरस ऑन रेगुलर बेसिस, इंस्टॉल ऑन एक्सेस ओके स्कैनर, इंक्लूड इन मोस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेज एंड कॉन्फिगर इट टू स्टार्ट इच टाइम यू स्टार्ट अप योर कंप्यूटर, दिस विल प्रोटेक्ट योर सिस्टम बाय चेकिंग फॉर वायरस इच टाइम एंड रन एक्सिक्यूटेबल फाइल, मतलब जब भी वायरस को हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे इसमें एक्सेस ऑन करके रखेंगे, तब जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा वायरस को और जब भी डिटेक्ट करेगा उसको डिलीट कर देगा ओके। नेक्स्ट, यूज वायरस स्कैन बिफोर यू ओपन ए न्यू प्रोग्राम और फाइल दैट मे कंटेन एग्जिटेबल कोड ओके, मतलब जब भी हम लोग एग्जिटेबल फाइल को ओपन करेंगे तो वायरस के साथ स्कैन करके, एंटीवायरस के साथ स्कैन करके उसको ओपन करेंगे। दिस इंक्लूड पैकेज्ड सॉफ्टवेयर दैट यू बाई फ्रॉम स्टोर एज वेल एज प्रोग्राम यू माइट डाउनलोड फ्रॉम इंटरनेट, और ये हम लोग बाई कर सकते हैं कहाँ पे, स्टोर पे या फिर इंटरनेट से हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं एंटीवायरस ओके। नेक्स्ट है, If you are member of an online community or chat room, be careful about accepting file or clicking links that you are find and people send you within the community. अगर आप online कुछ करते हैं, online community से जुड़े हुए या chat room से जुड़े हुए, तो कब हमेशा सावधान रहें, कोई भी unknown link भेज रहा है तो उस पर क्लिक ना करें ओके, unknown message भेज रहा है तो उसका reply ना करें ओके, और कम्युनिटी से बच के रहें इंटरनेट में, क्योंकि ये अननोन को ही टारगेट बनाते हैं ये ओके। नेक्स्ट है, मेक श्योर यू बैकअप योर डेटा डॉक्यूमेंट्स बुकमार्क फाइल इंपॉर्टेंट ईमेल्स मैसेज एक्सेट्रा, हमेशा श्योर रहें कि आप जो अपने डेटा को बैकअप में रखें, क्योंकि डेटा अगर आप इरेज हो गया तो उसको बैकअप करने के लिए रखें, ताकि आपका जब भी डेटा इरेज हो उसको बैकअप कर सकें ओके। नेक्स्ट, ऑन डिस्क सो दैट इवेंट वायरसेस इन्फेक्शन यू डो नॉट लूज योर वैल्यूएबल डेटा, मतलब जब भी जो भी वैल्यूएबल डेटा है उसको बैकअप करके रखें, कभी भी वायरस का अटैक से डेटा इरेज हो सकता है तो उसको हम लोग बैकअप कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल NPC ज्ञान भंडार। स्टे एट होम, स्टडी एट होम।